गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपको उपसर्ग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो देखिए नीचे, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है, पूर्व ज्ञान की जांच, बुझो तो जाने। वह शब्द जिसे पान के आगे लगाने से एक देश का नाम बन जाता है, अब क्या बनेगा, आप कैसे बताएंगे। तो जा लगा के जापान बन जाएगा ना, जापान, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे जो खाली जगह है उसमें जापान। ऐसे ही आपको सारे कॉलम में जो आपसे पूछा गया है उसके आगे या पीछे जहाँ भी शब्द आप जोड़कर, अब सब्जी का नाम है तो अब क्या मिर्च से क्या कौन सा सब्जी का नाम बनेगा, वो आपको वहाँ लिख देना है। फिर नीचे देखिए, वह शब्द जिसे रूम के आगे लगाने से एक सब्जी का नाम बन जाता है, ये भी आपको खुद से करना है। वह सब जिसे जामुन के आगे लगाने से मिठाई बन जाती है, ठीक है। अब नीचे जाइए, वह सब जिसे दल के आगे लगाने से वह वर्षा लाने वाला बन जाता है, ठीक है। तो आप खुद से ये करेंगे। अब आगे जाइए, नीचे देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के कितने भाग होते हैं, चार। कौन कौन, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय, ठीक है। अब नीचे देखिए, कुछ शब्द आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, फिर ये सारे शब्द आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है। अब आगे नीचे देखेंगे तो आपके हिंदी के उपसर्ग हैं ये सारे शब्द, फिर उर्दू के उपसर्ग हैं ये नीचे, फिर नीचे जाइए फोर्थ पे, उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय, तो ये नीचे देखिए शब्द बना हुआ लिखा हुआ है, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अधोगति, अधःपतन, ओके। तो आप ये सबको याद भी करेंगे, समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।